नमस्कार, मैं आमिर। जैसा कि पता है कि नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और आने वाले दिनों में सभी लोग उम्मीदवार अपना अपना पेश करेंगे, सभी कोई नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। इस संबंध में देखिए, हम मौजूद हैं कटिहार के वार्ड संख्या 3 में। हमारे साथ युवा भाई सन्नी जी है, हम उनसे जानेंगे उनके वार्ड की मुख्य समस्याएँ क्या कुछ है। जी, सबसे पहले तो KTN को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सन्नी जी। धन्यवाद। आप हमें ये बताएं कि सूत्र के हवाले से पता चल रहा है कि इस बार चुनावी मैदान में हैं आप, तो किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान उतरेंगे आप? देखिए, चुनावी मुद्दे जो भी है तो अभी महिला कर दिए हैं, हमारे वार्ड जो है कि महिला है, तो हम नहीं, मेरी माता जी खड़ा होंगे। ठीक है, मेरी माता जी खड़ा होंगे। और ये चुनावी मुद्दा अगर करने की बात रहे, कोई भी वार्ड रहे या कोई भी चीज़ रहे, ये खड़ा अगर होता है कोई भी इंसान, तो वो वार्ड की समस्या को ही हल करने के लिए खड़ा होता है। वार्ड में जिस प्रकार की समस्या हो, चाहे वो वार्ड से किसी भी समस्या हो, व्यक्ति से जुड़ा हो या हमारे समाज से जुड़ा हो या किसी भी चीज़ से जुड़ा हो, किसी समस्या को दूर करने के लिए खड़ा होता है इंसान, कि लोगों का हेल्प करे, मदद करे। और वार्ड में जो चीज़ की जो चीज़ असुविधा है, मूलभूत जो असुविधा जो भी है, उस सुविधाजनक जो काम करे। अच्छा, ऐसी कौन सी समस्या है आपके वार्ड में, जो मुख्य समस्या है? हमारे वार्ड में देखिए, मुख्य समस्या यह है कि हमारे वार्ड में जो मुख्य समस्या एक नाला की समस्या है, जो कि जहाँ पे जो भी रोड साइड घर है या हमारे घर जो भी है, सबको जो नाला का पानी जो है, जो भी पानी जो अपने घर का जो पानी जो रोड पे बहाते हैं, जिस कारण से जमा होता है, इस कारण से ये भी एक समस्या हमारे साथ मुख्य समस्या है, नाला की समस्या। और एक चीज़ बताया, चुनावी मैदान में आप उतरेंगे, बहुत सारे लोग दावेदारी करेंगे जी, उसमें आप ही को लोग क्यों चुने? अच्छा, ये देखिए, हमको लोग किसी को ऐसे चुनते नहीं है। लोग की लोग जो उसके जो दुख सुख में काम आवे, जो उसके दुख सुख में काम आवे, एक बोली पर कहीं चले जाए, जो भी अपना हेल्प करे, मदद करे लोगों से, क्योंकि इंसान जो अगर आप किसी की मदद नहीं कीजिएगा तो आपको लोग क्यों सराहना करेगा, क्यों आपको मदद करेगा, क्यों आपको विश्वास करेगा। तो जैसे कि मदद करना हो या कोई भी काम हो, सब में हम आगे रहते हैं। जो भी लोग बोले कि हम समस्या ये समस्या, उसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और समस्या को समाधान करने का प्रयास करते हैं। अच्छा जी, बताइए आपके वार्ड में जो क्या कुछ काम होना चाहिए जो नहीं हो पाया? देखिए, वार्ड में तो पहले तो अभी 10 साल में वार्ड बना, वार्ड नंबर 3 जो है, अभी हाल ही में नगर निगम 10 साल हुआ है इनको बनना, और 10 साल में जो है कि 8 बार जो है कि आने के 8 बार अविश्वास प्रस्ताव लगा है मेयर और डिप्टी मेयर पे। तो इस कारण से भी नगर निगम जो योजना आनी थी, जो योजना आनी थी हमारे नगर निगम में, योजना आ नहीं सकी। ठीक है, और योजना आने सके, जिस तरह से विकास हो रहा है, जो बढ़तर के हिस्सा जो भी ले रहा है, जो 100% होना था, इस कारण बस मेरा वार्ड नहीं, आप किसी वार्ड को ले लीजिए, मेरा ही श्री वार्ड नहीं, और किसी वार्ड को ले लीजिए, तो ऐसा विकास किसी में नहीं हुआ है। ये विश्वास प्रस्ताव, ये नगर निगम ऐसा विकास किसी में नहीं हुआ है, ये विश्वास प्रस्ताव, ये नगर निगम का ये बेहाल हालत खराब है वहाँ पे, इसी कारण से। और जो होना चाहिए था, जो बढ़कर के हिस्सा, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई वार्ड कमिश्नर है, कोई पार्षद जो भी है, जो पार्षदगण है जो भी है हमारे, जो हम लोग पब्लिक क्या है कि किसी एक पर विश्वास करके अगर इंसान अगर छोड़ दे, अगर किसी वार्ड पार्षद कोई भी काम है, मेरा रास्ता ही है, कुछ भी है, कोई पार्षद ही करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। इंसान के यहाँ पब्लिक को, वार्ड तो हमारा है ना, हम सब का है, तो हम सबको भी बढ़ चढ़ के हिस्सा इसमें लेना चाहिए। हमारे नगर निगम कोई हमारे वार्ड का कोई आदमी जाके नगर निगम ये पूछा है कि मेरे वार्ड में ये योजना क्यों नहीं आ रहा है, तब तो उसको सवाल मिले क्यों नहीं आ रहा योजना, सिर्फ हमारे घर के बैठ करके यहाँ बोलने से नहीं होना है। आपको आपका वार्ड है, हमारा वार्ड है, आप सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा और इसमें भागीदारी बनना होगा, तभी विकास होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। अगर मान लीजिए आप चुनाव मैदान उतरते हैं, आपकी माता श्री उठती हैं चुनाव मैदान में उठेंगी, तो फिर जनता ने अगर उनको मौका दिया जी, तो क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? जनता अगर विश्वास करेगी हम पे, जनता अगर विश्वास करे, तो उसको विश्वास को हम तोड़ने नहीं देंगे। जिस स्तर से हमारा कार्य होगा, जो भावना जो आस्था से हमको वोट करेगी और हमको जिताएगी, उस आस्था को हम कभी निष्फल होने नहीं देंगे। जैसा हो, जिस तरह से हो, वार्ड का विकास और लोगों की सहायता में हमेशा तत्पर रहेंगे। पूरा परिचय, मेरा नाम सन्नी कुमार, वार्ड नंबर 3, छीटावाड़ी, कटिहार, बिहार।